Today we will start with a new topic, that is report writing. Reports are the part of our lives, starting from school progress reports through news reports on television and radio to many kinds of reports. A nurse at the hospital reports to the doctor in the inpatient ward about the condition of each patient. A supervisor, at the end of the day, reports to the manager the progress of the work carried out in his or her supervision. Similarly, the manager of the bank sends a periodic report to the head office on the status of deposits, advances, overall limits during the period. Another manager posted in a remote rural area reports to the head office about the difficulties faced in sanctioning loans to farmers. The managing director of the bank would like to get a report on the efficiency of the measures introduced by the bank to promise efficiency in the branch offices. From time to time, the government set up committees and commissions to report on various issues of social, political, and economic importance. There are various committees such as Committee on Human Resources, Agriculture, Industry, Science, Technology, Environment, which are set up to discuss and analyze report on various matters. Such committee meets time to time, work out a detailed plan to conduct surveys, collect information, finally submit their findings and recommendations in the form of a technical report. So इस पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि कितनी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो डॉक्टर हो कि नर्स की रिपोर्ट हो डॉक्टर के लिए, या फिर मैनेजर की हो, या फिर किसी ऐसे बंदे की जिसको दूर दराज इलाके में भेज दिया गया है और उसे अपनी मुश्किलात के बारे में बताना है कि क्या उसको मुश्किलात का सामना है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की, या फिर गवर्नमेंट जो है कमेटीज़ बनाती है और वो जो है चाहती है कि कई मामलात पे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इश्यूज़ पे उनको जो है रिपोर्ट दी जाए। बहुत सी वेरियस फील्ड्स के मुतालिक हो सकती है कमेटी, जो हमने भी डिस्कस किया। और इसके अलावा कुछ कमेटीज़ ऐसी होती हैं जो अपना प्लान बनाती हैं, फिर सर्वे कंडक्ट करती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं, फाइंडिंग करती हैं, कुछ तजावीज़ देती हैं और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है। सो हमारी ज़िंदगी का रिपोर्ट एक हिस्सा है। स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट हो या फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स हों, चाहे वो टेलीविज़न पे है या रेडियो पे है, ये सारी हमारे पास काइंड्स ऑफ रिपोर्ट हैं। सो आज हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ट्स, आपको पता है कि कभी कभी कोई वाक़या, कोई हादसा हो गया, उसकी भी रिपोर्टिंग हो सकती है, ठीक है। सो रिपोर्ट बेसिकली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि रिपोर्ट हमारी इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, सबूत पे, शवाहिद पे, फैक्चुअल राइटिंग है। सो बेसिकली इसमें हमारे पास फैक्ट्स जो हैं वो मैटर करते हैं, ओपिनियंस मैटर नहीं करते। सो इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे में हमारे ओपिनियंस मैटर करेंगे, जो हमारा क्या ख्याल है, हमारा क्या ज़ाती तजुर्बा है, हमें क्या पता लगा है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। लेकिन रिपोर्ट जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, और वो जो है उसमें कुछ सर्टन ऑब्वियसली कुछ हकीकतें होंगी जिससे पर्दा फाश करना होगा, और इसके अलावा हमें उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होगी। जैसे अगर कोई हादसा खुदा ना खास्ता पेश आता है तो फिर हमें क्या करना है कि उसके जो है वो कुआ पे पहुंचे अगर हम हैं, तो हमें पूरा बताना है कि ये हादसा किस तरह से पेश आया, क्या वक्त था, क्या जो थी वो ट्रांसपोर्ट जो था वो हुआ, और किसको नुकसान पहुंचा, कितना नुकसान पहुंचा, क्या इसमें फिर कितने लोग इकट्ठे हुए, क्या एनी शाहिदीन का कहना था, या जो भी हमारे पास है। तो बेसिकली दैट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस। सो व्हाट इज़ रिपोर्ट? रिपोर्ट जो है हमारे पास लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है टू ब्रिंग बैक। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इवॉल्व मीन टू दैट द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन इज अनबाइस्ड एंड एविडेंस बेस्ड। सो इसका क्या मतलब है कि वापस अपनी जगह पर पलटना, वापस आना, यानी कि किसी खास वक्त में कोई चीज़ जो है वो इवॉल्व करती है, बढ़ती है, और इसका मतलब ये है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है जो अनबाइस्ड है, आपके ओपिनियंस उसमें बेस्ड नहीं है, और लेकिन बेसिकली ये किस पे बेस्ड है? एविडेंस बेस्ड है। सो एविडेंस बेस्ड कोई चीज़ है जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं, और लैटिन में हम इसको कहते हैं टू ब्रिंग बैक। रिपोर्ट इज यूजली अ पीस ऑफ फैक्चुअल राइटिंग, अगेन वो बात है, फैक्ट्स की बात है, एविडेंस की बात है, कंटेनिंग ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होगी और किसी खास टॉपिक पे होगी। इट इज अ मेजर फॉर्म ऑफ टेक्निकल बिजनेस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अ पर्सन ट्रांसमिट सर्टन फैक्ट्स, आइडियाज और सजेशंस यूजफुल फॉर अनदर पर्सन थ्रू अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के जरिए आप अपने हकीकतें, अपने ख्याल, या कोई सजेशन भी हम पढ़ेंगे कि हम इसमें सजेशन भी देते हैं। रिपोर्ट के थ्रू, और फिर हम डिस्क्राइब भी करते हैं किसी इवेंट को। सो रिपोर्ट, थर्ड पॉइंट, रिपोर्ट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवेंट। मुख्तसर अहवाल बयान करना किसी जगह का, किसी इवेंट का। एंड इट्स अ रिटन अकाउंट, ठीक है। हमारे पास रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे कि ओरल भी होती हैं और रिटन भी होती हैं, लेकिन बेसिकली जो है रिपोर्ट रिटन होती है, रिटन फॉर्म में होती है। और किस चीज पे होती है? दैट समवन हैज ऑब्जर्व समथिंग, हैज हर्ड समथिंग, डन समथिंग और इन्वेस्टिगेटेड। सो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें डाटा हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड होता है फैक्ट्स की सूरत में, और वो जो है हम पेश करते हैं, और इसमें हम हो सकता है हमारी कोई फाइंडिंग्स भी हों। Point number 4, the report helps in recording the events of importance that occur in our day-to-day life. It attempts to present the first-hand information of an incident. So इसमें information कैसी होती है? First hand होती है, आप खुद उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। किसी और से सुनी सुनाई चीज नहीं होती। रिपोर्ट आपकी खुद की एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। रिपोर्ट एनेबल्स डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी मसले को हम हल कर सकते हैं उसके थ्रू, या फिर हम कोई डिसीजन बना सकते हैं, हमारी फाइंडिंग हो सकती है। रिपोर्ट आर इम्पोर्टेंट मीन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्दर के इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन वर्टिकल भी होती है और हॉरिजेंटल भी होती है, ठीक है। और किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकती है। रिपोर्ट सर्व एज अ मीन ऑफ ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी भी इदारे में अगर हम टेक्निकल रिपोर्ट की बात करते हैं, किसी बिजनेस राइटिंग की बात करते हैं, तो बिजनेस में बेसिकली या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए रिपोर्ट्स जो हैं वो लिखवाते हैं, और उसकी तरक्की का दारोमदार रिपोर्ट्स पे है। देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट। सम इम्पॉर्टेंट पर्पसेज ऑफ रिपोर्ट आर प्रेजेंट अ रिकॉर्ड ऑफ एस्टैब्लिश्ड वर्क, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो ऑलरेडी कोई आपने काम अकम्प्लिश किया हुआ है, उसको आपने कर लिया है काम, उस पे आपने उसका जो रिकॉर्ड पेश करना है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। फिर आपको पता है रिपोर्ट जो है वो किसी एक्सपेरिमेंट की भी हो सकती है, लेबोरेटरी रिपोर्ट, राइट। फिर हमारे पास कुछ सर्चिंग है, कुछ फाइंडिंग है, कुछ टेक्निकल स्पेशलाइजेशन में है, वो भी रिपोर्ट है। फिर आपको पता है कि स्कूल राइटिंग, स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हो सकती है वो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि फर्दर रिपोर्ट जो है वो लॉन्ग भी होती है, वो शॉर्ट भी होती है। डॉक्यूमेंट्स, स्केड्यूल्ड timelines and timetables and milestones are status report on a long term plan. Documents current status, अभी क्या मौजूदा क्या हाल है, वो हम आपको हमारे पास क्या होती है? Inspection. Record and clarify complex information for further reference, वो हमारे पास annual report होती है। Present organized information on a particular topic, ठीक है, हम किसी टॉपिक पे भी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन करके प्रेजेंट कर सकते हैं। रिकमेंडेड एक्शंस दैट कैन बी कंसिडर्ड इन्वॉल्विंग सर्टेन प्रॉब्लम, वो रिकमेंडरी रिपोर्ट होती है। सो ये सारी हमारे पास रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, या वो ऑर्गेनाइज्ड डाटा को आपने पेश करना है, या आपने क्लैरिफाई करना है, या कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, या कुछ सजेस्ट करना है, राइट, या अकम्प्लिश करना है, या कुछ फाइंड करना है। तो ये सारी हमारे पास उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन एसे एंड रिपोर्ट राइटिंग। एसे हमारे पास प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन रिटन फॉर एवरीवन इन जनरल, द स्ट्रक्चर इज कैजुअली फॉर्मिंग इन पैराग्राफ्स। एसेज यूजली हैव रूम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वंस ओपिनियंस एंड नीड नॉट टू बी सपोर्टेड विद ग्राफिकल प्रूफ्स। तो आपको पता है कि कुछ हमारी जो आवाम है उस तक ही नहीं होता ऐसा ऐसे, वो हर जो है हर शख्स के लिए हो सकती है, जनरल पब्लिक के लिए हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हो सकती है, होती है बल्कि। ऐसे हमारे पास ओपिनियन बेस्ड होता है, रिपोर्ट हमारे पास यू नो अनबाइस्ड होती है, और इसके साथ साथ 100% करेक्ट भी होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए इसमें। और ऐसे हमारे पास जो है पैराग्राफ्स की सूरत में होती है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट्स में हम बुलेटिन भी बना सकते हैं, हेडिंग्स भी बना सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं, पॉइंटिंग भी कर सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर आपके पास जो है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राफिकल प्रूव हो गए, यानी कि आप ऐसे लिखने के लिए आप साथ साथ ग्राफ्स भी बनाएं, लेकिन रिपोर्ट्स में हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ग्राफ्स को भी। देन वी हैव कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट। उसमें हम देखेंगे कि रिपोर्ट ओरल है या रिटन है, या फिर ओरल में और रिटन में क्या फर्क है, लॉन्ग शॉर्ट रिपोर्ट में क्या फर्क है। इसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट, वर्टिकल एंड लेटरल, इसके अलावा प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है, या इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड क्या हो सकता है, इंसिडेंट रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट क्या होती है, ये छोटे छोटे प्रपोजल भी हो सकता है, प्रपोजल रिपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी कैटेगरीज ऑफ रिपोर्ट्स हैं जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट दैट बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक characterization, a report can be of certain kind depending upon the purpose of the report, may be oral or written, presented by a single individual or by a group of the persons or a committee. Report can be presented at regular intervals, जिसको हम annual report भी कह सकते हैं, और once, सिर्फ एक दफा भी हो सकती है, जैसे हमारे पास inquiry report हो सकती है। So purpose के हिसाब से अगर उसको देखें तो उसका मकसद जो है वो different हो सकता है हर report का, ठीक है। Oral written भी हो सकती है, कोई एक शख्स भी दे सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर टाइम इंटरवल की बात करें तो वो हो सकता है कि हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 3 महीने बाद देनी हो, या सिर्फ एक ही दफा देनी हो पूरे साल में, तो इसके टाइम पे भी हम रिपोर्ट को फर्दर डिवीजन करते हैं। फर्स्ट वी हैव द ओरल एंड रिटन रिपोर्ट। ओरल और रिटन रिपोर्ट उसके नाम से ही जाहिर है, रिपोर्ट्स कैन बी ओरल और रिटन डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आप उसको, आपने रिपोर्ट लिख ली है, रिटन वे में अगर आप उसको पेश कर रहे हैं बोलकर, तो वो फिर आपके पास ओरल में भी चली जाएगी। When you rejoin duty after attending an international seminar, you meet your officer and report about the deliberations of the seminar. This type of recording comes under oral reporting, and the oral report is simple and easy to present. It may communicate an impression or an observation. While oral reports are useful, written reports are very preferred, and they enjoy several advantages over the oral one. So, अगर आप एक इंटरनेशनल सेमिनार को अटेंड करते हैं और वापस आते हैं अपनी ड्यूटी पे, और आप अपने ऑफिसर को आके रिपोर्टिंग करनी है कि उस सेमिनार में क्या क्या हुआ, तो आप वो जो रिपोर्टिंग करेंगे वो ओरल होगी। इसके साथ आपको पता है कि हमारे पास रिटर्न भी होती हैं, कि रिटर्न जो है वो बेसिकली प्रेफर्ड वन है, और इनको रिटर्न को ऑब्वियसली ज्यादा एडवांटेज है ओवर द ओरल वन। देन वी हैव ओरल रिपोर्ट्स। ओरल रिपोर्ट्स को फर्दर हमारे पास क्या है कि इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है, परमानेंसी नहीं होती उसके अंदर, फैक्ट्स कांट बी डिनाइड, ऑडियंस नीड टू कम्प्रीहेंड क्विकली व्हेन दे आर प्रेजेंटेड। फौरन से समझना होता है, फौरन से अपना अंडरस्टैंडिंग करनी होती है। मे बी इनकम्बर्ड विद इररिलेवेंट फैक्ट्स एंड ओवरलुक इम्पॉर्टेंट वंस। तो हो सकता है कि वो जो खास मामलात हैं उनको नजरअंदाज किया जाए, और जो गैर मुतल्लिका चीज है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे आ जाए। कैन नॉट बी रेफर्ड टू अगेन एंड अगेन, ठीक है, आप उसमें रेफर नहीं कर सकते उस चीज को, क्योंकि ऑब्वियसली उसका प्रूफ नहीं है। हैव लेस प्रोफेशनल वैल्यू। देन वी हैव रिटन। रिटन में भी ओरल में हमारे पास फीडबैक पॉसिबल है इमीडिएट, रिटन में इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं है, परमानेंट होती है, ऑडियंस कैन पाउंडर, सोच विचार कर सकती है क्योंकि बस उनके पास ज्यादा टाइम मिल जाता है, ये ज्यादा एक्यूरेट होती है, प्रिसाइज होती है क्योंकि राइटर ने बड़ी एफर्ट पुट की होती है फैक्ट्स को डालने के लिए। एडिटेड हो सकती है, स्टोर हो सकती है, रिव्यू या रिट्राइव हो सकती है, दोबारा भी लेके आ सकते हैं। प्रोफेशनल वैल्यू भी इसकी ज्यादा अच्छी है।